उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में माँ भगवती महाराज वायल राजेश्वरी कैला देवी माँ की 28वीं वर्षगांठ विभिन्न कार्यक्रमों के साथ धूमधाम से मनाई गई। इसी क्रम में माँ की पोशाक शोभा यात्रा राधा कृष्ण मंदिर से निकली। 25 मार्च को अपराह्न 2 बजे राधा कृष्ण मंदिर से गाजे बाजे के साथ निकली। यहाँ शुरू होकर सदर बाजार मोहल्ला गंज बड़ा डाकखाना चौराहा कोडला रोड होती हुई कैला देवी मंदिर परिसर में पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में बैंड झांकी काली अखाड़े भी शामिल रहे। पदाधिकारियों ने बताया कि 26 मार्च को कैला देवी मंदिर पर भव्य विशाल फूल बंगला एवं प्रसाद का वितरण किया जाएगा। दोपहर 1 बजे से लाला राम प्रसाद पोरवाल की धर्मशाला मोहल्ला गंज में देवी जागरण के साथ प्रसाद वितरण किया जाएगा। पोशाक शोभा यात्रा में विजय सिंह गौर उर्फ मोनू, जय किशन जैन, राधा मोहन सिसोदिया, मंजीत वर्मा, सोनू वर्मा, संजय शर्मा, रविंद्र वर्मा, नरेंद्र वर्मा पत्रकार आदि लोग शामिल रहे। फिरोजाबाद से गौरव राठौर की रिपोर्ट। शोभा यात्रा निकाली जा रही है, किस तरह की शोभा यात्रा है, कहां से कहां तक निकाली जा रही है? ऐसा आया गया है, हमारे राजराजेश्वरी कैला देवी मंदिर को आज 28 वर्ष पूर्ण हो गए। उस संदर्भ में हम लोग जो है पोशाक यात्रा हर साल करते हैं, हमने निकालते हैं और भंडारा भी करते हैं, और जो है वहाँ फूल बगला बड़ा अच्छे रूप में सजा हुआ है, समझे। और जो है माँ के नवरात्रि से पहले ही जो है हम लोग अपना ये प्रोग्राम कर लेते हैं, समझे। और इस बार इस पोशाक यात्रा को निकालते हुए भंडारे करते हुए 28 वर्ष हो चुके हैं। कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी ये जो है? राधा कृष्ण जी के मंदिर से निकाल से शुरू होती है और जो है माँ कैला देवी के मंदिर पर जा कर के उसका भंडारा कब करते हैं? भंडारा जो है एक दिन बाद करते हैं, एक दिन पहले पोशाक निकालते हैं और दूसरे दिन हम लोग भंडारा करते हैं, और उसी दिन हमारा फूल बंगला सजता है, और कभी कभी बीच बीच में छप्पन भोग भी लगते हैं।